तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये है हमारा यूनिट 13 बिजनेस इन्वायरमेंट का। ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा कि हम नाम से जान रहे हैं, ये फॉरेन की जो कंपनी है वो इंडिया पे इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो जब किसी कंट्री के बिजनेस पे किसी कंट्री के जो किसी कंट्री की इकोनॉमी में जब कोई फॉरेन की कंपनीज हो गई या फॉरेन के इन्वेस्टर हो गए, वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें हम जब देखते हैं तो द टर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू एन ऑनरशिप स्टेक इन ए फॉरेन कंपनी और प्रोजेक्ट मेड बाय एन इन्वेस्टर कंपनी और गवर्नमेंट फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, जैसे इंडिया पे कोई फॉरेन के इन्वेस्टर या तो कंपनी या गवर्नमेंट क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब किसी कंपनी पे किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, FDI कहलाएगा। ये टर्म्स से आप लोग काफी परिचित होंगे ही। तो इसमें ये एक चीज जरूरी है कि जिस फॉरेन कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहां के गवर्नमेंट अलाउ की हो हमें इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, क्योंकि इंडिया में पहले FDI अलाउ नहीं था। ठीक है, तो इंडिया में जब से FDI अलाउ हुआ वो समय था हमारा 1991, वहां से हमारा FDI शुरू हुआ। ठीक है, तो FDI में देखते हैं सेकंड हमारा पैराग्राफ देखते हैं, FDI इन्वेस्टर्स टिपिकली टेक कंट्रोलिंग पोजीशन इन डोमेस्टिक फर्म्स और जॉइंट वेंचर्स एंड आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज समझ आती है, उससे पहले आप लोग ये बताइए चैट बॉक्स पे कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इंडिया में उसे कौन रेगुलेट करता है। भारत में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, निवेश, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेयर मार्केट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का हमारा मेन सोर्स स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही मेन होता है। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर कौन देखते हैं, कौन सी संस्था देखती है, वेरी गुड ऑल, सभी का एक स्वर में आंसर आ रहा है, सेबी सेबी सेबी। ठीक है, तो सेबी जो है वो इन्वेस्टमेंट मैटर को देखती है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि FDI में जो इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि उनको कंपनी में कुछ कंट्रोलिंग पोजीशन मिल जाए। दैट मींस अगर हम देखेंगे तो वो कम से कम 10%, मतलब टोटल जो ऑनरशिप का कम से कम 10% इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, तब जाके वो क्या होते हैं उसके कंट्रोलिंग पोजीशन में, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में या उसके कमिटी में शामिल हो पाते हैं। ठीक है, तब वो क्या है उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उनके हिसाब से वो काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग अभी यहाँ देखेंगे कई कंपनीज हैं जो कि फॉरेन की हैं और भारत में आके बिजनेस करती है, तो उसमें क्या होता है कि वो कंट्रोलिंग पोजीशन रखते हैं, कुछ कुछ चीजें अपने हिसाब से करवाते हैं। तो FDI दैट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी और प्रोजेक्ट बाय इन्वेस्टर और कंपनी और गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो इन्वेस्टर और कंपनी का तो समझ आ रहा है कि वो तो करेंगे, गवर्नमेंट कैसे करती है, तो आप लोग देखे होंगे इंडिया का एग्जाम्पल, तो
इंडिया के एग्जाम्पल मेरे ये है, लेकिन चाइना का हम लोग ज़्यादा सुनते हैं। चाइना का थोड़ा न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि इंडिया के बॉर्डर कंट्रीज और जो हैं नेबर कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अभी देखेंगे तो नेपाल और भूटान पे भी, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वहाँ के रोड्स को बनाता है, वहाँ उन्हें टेक्नोलॉजी या अपनी चीज़ें ट्रांसफर करता है, सो दैट वहाँ क्या करे उसका इन्वेस्टमेंट रहे। और वो टैक्टिकल रूप से, वो तो दूसरी बात है कि वो इंडिया को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली लूज करना चाहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है, या कोई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम या फिर इंडिया के गवर्नमेंट हैं वो वहाँ पे निवेश करती है, चाहे वहाँ कुछ प्रोजेक्ट हो, वहाँ कंपनी इस्टेब्लिश करनी हो, ठीक है, तो भी वहाँ पे क्या होती है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। जब गवर्नमेंट एक्टिवली रूप से पार्ट करती है, पार्ट लेती है, तो वहाँ FDI कहलाता है, हाँ FDI बाय गवर्नमेंट होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे FDI के हमारे सोर्स में देखिए, द इन्वेस्टमेंट थर्ड पैराग्राफ में, द इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व एक्वायरिंग अ सोर्स ऑफ मटेरियल, एक्सपेंडिंग अ कंपनीज फुटप्रिंट और डेवलपिंग अ मल्टीनेशनल प्रेजेंस। ठीक है, तो FDI करने का हमारा एक उद्देश्य ये रहता है कि हम एक से ज्यादा कंट्री में अवेलेबल हो, होम कंट्री में तो अवेलेबल रहेंगे ही, लेकिन उससे और भी ज्यादा कंट्रीज में हम अपना प्रेजेंस दिखा सकें, हमारा बिजनेस बढ़ सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्वायरिंग अ सोर्स ऑफ मटेरियल्स करते हैं, जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन के लिए चीज़ें जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, एक्वायरिंग अ सोर्स ऑफ मटेरियल में, कि कई कंट्रीज जो हैं हर प्रोडक्ट उनके पास नहीं होता, हर मिनरल्स नहीं होते, रॉ मटेरियल नहीं होते। जैसे शुरू के समय पे हम देखे थे कि इंडिया के पास पेट्रोलियम नहीं था, तो हम क्या करते कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट लगाते जिस पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की नीड होती, तो हम ओपेक की जो कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं उस कंट्री को बोलते कि आप हमें रॉ मटेरियल दो, तो वो कंपनी में अपना हिस्सा मांगता, ऑनरशिप मांगता, पोजीशन मांगता, तो उसको हम ऑनरशिप का हम कुछ हिस्सा देते, तो ऐसे करके वो हमारे लिए सोर्स ऑफ मटेरियल भी बन जाते। नाउ एक्सपेंडिंग अ कंपनीज फुटप्रिंट, तो जैसे आज हम देखते हैं कि वॉलमार्ट का नाम सुनते हैं, अमेजोन का नाम सुनते हैं, ठीक है, तो वो सब कंपनीज क्या करती हैं, वो जो मेन कंपनी है उनकी, उनको क्या करते हैं, आगे उसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो कंपनी का कल्चर होता है, पॉलिसी होता है, रूल रेगुलेशन होता है, उसको वो क्या करते हैं फॉरेन की कंपनी में भी उसे अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का हमारा मेन जो सोर्स होते हैं। तो जब बात FDI और की हो रही है, तो FDI जब होती थी तो द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड टू अप्रूव FDI प्रपोजल्स एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट गिविंग ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर FDI। ठीक है, तो जब हमारा FDI आना शुरू हुआ तो उसे कौन अप्रूव करता था, FIPB, ठीक है, प्रमोशन बोर्ड जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो उसे अप्रूव करता था, और RBI जो है उन्हें अप्रूवल देता था, क्योंकि यह जो मैटर है फाइनेंशियल मैटर है, और कोई कंट्री जो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो एक बात ये होती है कि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, लेकिन क्या पता सिचुएशन खराब हो जाए इंडिया में, या कुछ ऐसे घटना हो जिससे हमारी बिजनेस प्रभावित हो सके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है कि फॉरेन के जो इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहते हैं, तो प्रॉफिट जहाँ पे उन्हें लॉस दिखने लगा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल के अपने होम कंट्रीज में चले जाते हैं, या नहीं भी जाएंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करते हैं।
ये क्या होता है, एक कंट्री की इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, जो कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए आरबीआई उसे पूरा मॉनिटर करते हैं। और अब जब एफडीआई आया था तो उसको रेगुलेट करने के लिए काफी उसपे रूल्स बनाए गए थे कि मतलब तुरंत कुछ भी हुआ तो छोड़ के नहीं जाएंगे, इन्वेस्टमेंट से हटाने की प्रोसेस जो थी वो स्लोली स्लोली रहेगी, पूरे रेगुलेट करते हुए वो क्या करेंगे, एफडीआई को डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एफडीआई हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द लिबरलाइजेशन ऑफ द एफडीआई पॉलिसी हैज लेड टू इंक्रीज्ड फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इम्प्रूव इन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी 1991 में, उसके पहले क्या होता था कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो डोमेस्टिक, हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन थे उनके लिए काफ़ी चिंतित रहते थे कि कोई बाहर की कंपनी आएगी तो इन्वेस्ट करेगी, अपना प्लांट लगाएगी, प्रोजेक्ट लगाएंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे फॉरेन की इन्वेस्टर्स, तो इससे डोमेस्टिक हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको खतरा रहेगा, उनके बिजनेस कहीं लूज मत हो जाए, लॉस में मत चले, या उनका रोल खत्म ना हो जाए धीरे धीरे, स्पेशली जो हमारे स्मॉल सेक्टर बिजनेस हैं उन पे। ठीक है, तब लेकिन अब इंडिया की इकोनॉमी क्या हो रही थी, कहीं ना कहीं क्लोज्ड टाइप से इकोनॉमी थी हमारी उस समय, तो उससे हमें लॉस भी हो रहा था, तो हमें नीड हुआ कि हम एफडीआई को भी लिबरलाइज करें। इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ एफडीआई को भी खास ध्यान दिया गया इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो उसे थोड़ा लिबरलाइज किया गया, इजी बनाया गया। तो इससे क्या है, जैसे ही फिर इजी हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने शुरू हुए उसमें। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमारे कैपिटल भी आने लगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होने लगे। ठीक है, उनकी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वहाँ जैसे जिस तरीके से वो प्रोडक्शन करते हैं वो इंडिया में भी करेंगे, है ना। इंडिया में मान के चलो उस समय या थोड़े दिन पहले भी देखें तो ऑटोमेशन नहीं आया हो, या कुछ चीज़ हो सकती है जिसमें वो काफ़ी एडवांस होंगी। ठीक है, तो वो अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन एफडीआई जब होगा और उन्हें हमारी कंट्रीज में आके काम करने का मौका मिलेगा तो वो अपनी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जिससे कि वो स्मूथ प्रोसेस से ही प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो ये सब एफडीआई का हमारा रोल रहा इंडिया इकोनॉमी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो एफडीआई की जब बात हो रही है तो वो कैसे होता है, वह दो तरीके से होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे थे कि एफडीआई को थोड़ा लिबरलाइज किया गया, पॉलिसी जो है इजी बनाई गई ताकि कंपनीज क्या है अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें, तो ऑटोमेटिक रूट में ये होता है कि इसमें प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगती है। ठीक है, उतना हम पे जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसे हम देखेंगे जिसमें काफ़ी अप्रूवल लगता है, और कुछ सेक्टर अभी भी ऐसे हैं जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ ही नहीं करती है एफडीआई। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट में उन्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इन्वेस्टर हो तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें आरबीआई से 30 दिन का वो रिसिप्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, टू इन्फॉर्म द आरबीआई विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ फंड्स एंड इशुएंस ऑफ शेयर टू द फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, सो द ऑटोमेटिक रूट इज प्रिफर्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर एज इट इन्वॉल्व लेस रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ठीक है, इट अलाउज फॉर ए स्मूदर एंड
क्विकर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस विच इज इसेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल। ठीक है, आप ये सोचिए कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और वहाँ की प्रोसेस ही इतनी लेंदी रहेगी, आप पे निगेटिव इफेक्ट डालेगा वो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हटेंगे। तो उसी चीज़ को गवर्नमेंट ने समझा और ऑटोमेटिक रूट का उन्हें रास्ता दिखाया, जिससे वो क्या है, बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के, बिना, जैसे इंडिया में जान रहे कि कमीशंस लेते हैं किसी भी चीज को पास कराने में, ठीक है ना। तो ये अभी भी हमारी कंट्री की वो सच्चाई है। तो वो चीज जैसे बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं कई लोग तो वो लगती है, लेकिन FDI में वो चीज बाधा ना बने इसलिए ऑटोमेटिक रूट को ऑप्शन दिया। ठीक है, तो वो था एक ऑटोमेटिक रूट जिसमें कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट से या किसी एजेंसी से ज़्यादा अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। ठीक है, इसमें RBI से हमें प्रायर उनसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है उनके पास। ठीक है, सेकंड इसमें है हमारा मोड, सेकंड मोड जो है वो है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। ठीक है, तो वो सेक्टर जो कि ऑटोमेटिक रूट में इंक्लूड ना हो, या फिर ऐसे सेक्टर जिनके बारे में इन्वेस्टमेंट के कंडीशंस क्लियर ना हो, ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल जरूरी है। उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा FDI के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जिस भी टाइप का काम करना चाहते हो उससे संबंधित कोई ना कोई मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, तो उसमें आप क्या करेंगे, वहां से आप अप्रूवल लेंगे। ठीक है, तो वहां से अप्रूवल जैसे ही मिला फिर आप अपना क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये गवर्नमेंट अप्रूवल वाला रूट इसलिए क्यों अपनाया गया, क्योंकि कई ऐसे हमारे सेक्टर्स हैं बिजनेस के या इकोनॉमी के जो काफी सेंसिटिव है और स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या है कि फॉरेन कंट्री अगर इन्वेस्ट कर रही है तो उन्हें उसका नो हाउ पता चलेगा, हमारी स्ट्रेटजी पता चल जाएगी, तो वो एक हिसाब से हमारे कंट्री के लिए सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या है चाहती है कि उन सब कंपनीज पे कंट्रोल चाहती है कि वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आए और जो भी काम करना चाहती हैं, जैसा भी काम करना चाहती हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से हमें बताए, और जब वो गवर्नमेंट इंश्योर हो जाएंगी और उन्हें लगेगा कि यह राष्ट्र हित में है, तब जाके क्या होगा, उसे इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो FDI जो है उसे मल्टी ब्रांड सेक्टर में, कितना अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो उससे पहले मल्टी ब्रांड हमारा जो रहता है रिटेल सेक्टर, वो ये रहता है कि एक कंपनी के अंदर जब कई प्रकार के ब्रांड हो, कई बार एक कंपनी सिंगल ब्रांड होती है, एक कंपनी के ही नाम से सारे प्रोडक्ट चलते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार होती है कि एक कंपनी के अंदर ही कई सारे ब्रांड होते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा मल्टी ब्रांड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है FDI पे 51% का मल्टी ब्रांड रिटेल पे है, और 100% FDI जो है वो सिंगल ब्रांड रिटेल पस रिटेल में है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो फॉरेन की कंट्रीज हैं वो जो रिटेल सेक्टर में काफी आगे हैं, वो यहाँ के लिए क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क डिसीजन कहलाता है। आप इस परसेंटेज को ध्यान में रखेंगे, मल्टी ब्रांड में 51% और 100% सिंगल ब्रांड में। ठीक है, तो एक चीज बताइए, किसी भी कंपनी में हम जब ऑनरशिप उसका हासिल करना चाहते हैं तो हमें कितना परसेंट ऑनरशिप, कितना परसेंट उसका शेयर रखना पड़ता है।
ठीक है, आंसर करिए कितना परसेंट हम उसके ओनरशिप को रखें सो दैट हम कंपनी के मालिकाना हक पे हम आ सकेंगे। मोर देन 50% ऐसा नहीं होता, नहीं रोशन 50% नहीं होगा। ठीक है तो जिनका भी आंसर 51% है वो सही है। ठीक है तो 50-50 यहाँ पे नहीं होगा, 51-49 होगा। ठीक है 49 जो है फिर अदर पर्सन जो है वो रखेंगे तो वो ऑनरशिप में नहीं आएगा, जो भी 51% रखा तो वो हो जाएंगे उसके ऑनर। ठीक है तो जब मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर पे एफडीआई लाया गया, ठीक है तो वहां पे यह चीज हुआ कि इस चीज को लाने के पीछे उनका लॉजिक ये था कि इससे फार्मर के लिए, किसानों के लिए सप्लाई चेन बनेगी, ट्रांसपोर्टेशन हमारा बढ़ेगा, लॉजिस्टिक बढ़ेगी, स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ेगी, और जो मिडिल मैन है जो कि प्राइस को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं किसी प्रोडक्ट के सेल में, जितने ज्यादा मिडिल मैन रहेंगे तो हम जान रहे हैं उस प्रोडक्ट का रेट बढ़ते जाता है। ठीक है क्योंकि सब अपना चार्ज लेते हैं। तो एफडीआई जब लाना लाया गया, चूंकि इंडिया के कंज्यूमर मतलब मोस्टली तो देखेंगे तो रिटेल कंज्यूमर ही है, ठीक है चाहे आज हम बिग बाजार को देखें, रिलायंस स्टोर को देखें, पैंटालून को देखें, बिग बाजार को देख रहे हैं, वॉलमार्ट को देख रहे हैं, ठीक है चाहे हम फ्लिपकार्ट अमेजोन, हमारे ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सभी। तो रिटेल इन्वेस्टर में एक बड़ा नाम आता है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, P&G आते हैं। तो ये सब क्या है जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो काफी कुछ इंडिया में ही प्रोडक्शन करके ही सेल करते हैं। ठीक है तो इससे क्या है जो अल्टीमेटली हमारे कंज्यूमर हैं उन्हें फायदा मिलता है, ITC भी है। ठीक है सो देखिए तो जब जैसे कि मैंने बताया कि FDI जब मल्टी ब्रांड सेक्टर पे ला रहे थे, मल्टी ब्रांड सिंगल ब्रांड पे, तो उन्हें लगा कि उससे हमारे जो फार्मर हैं, जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, जो हमारे रिटेल सेलर्स हैं उन्हें प्रभावित करेगा, उनके बिजनेस को खत्म मत कर दे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन लगाया ताकि हमारा जो डोमेस्टिक हमारे बिजनेसमैन है वो सेफ रहे, डोमेस्टिक बिजनेसमैन फार्मर ये सभी FDI से उन्हें नुकसान ना हो। उसके लिए उन्हें क्या किया कि कुछ कुछ कंडीशन रखें, जैसे कि कोई भी FDI करती है कंपनी तो उसका कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन डॉलर होना चाहिए। ठीक है देन 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एटलीस्ट 30% ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर सेल मस्ट बी सोर्स फ्रॉम स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है तो देन स्टोर्स कैन ओनली बी ओपन इन सिटी विथ एटलीस्ट 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है उससे कम पॉपुलेशन में होगा तो उसे ओपन करने नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक डोमेस्टिक हमारे इन्वेस्टर बिजनेसमैन फार्मर को सेव करने के लिए था। सो सिंस रिटेल ट्रेड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट्स हैव द डिस्क्रेशन टू अलाउ और नॉट अलाउ द ओपनिंग ऑफ रिटेल शॉप्स बाय इंटरनेशनल रिटेल जाइंट्स। ठीक है जैसे इंटरनेशनल रिटेल जाइंट्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें किसकी बात आती है, वॉलमार्ट की बात आती है। ठीक है वॉलमार्ट का आपने नाम सुना होगा तो वो वेरी गुड रोशन। ठीक है इंटरनेशनल रिटेल जॉइंट्स में आते हैं हमारे वॉलमार्ट, वो काफी मतलब काफी बड़ा है और ये बोलना चाहिए कि वो बड़ी कंपनियों में से एक माना जाता है वर्ल्ड की रिटेल कंपनी में। ठीक है तो
तो अच्छा आंसर रहा आपका। तो ये था मल्टी ब्रांड सेक्टर रिटेल, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में FDI, ठीक है। उस पे अगर हम मोस्टली FDI को जब हम सोचते हैं इंडिया के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो हमें दिखता है वो सिंगल ब्रांड रिटेल में दिखता है और मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में दिखता है, ठीक है। तो उसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो FDI का अगर हम थोड़ा ध्यान दें, जब इंडिया में FDI लाया गया था या उसको थोड़ा और ओपन अप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका काफी विरोध भी हो रहा था। विरोध इसलिए भी हो रहा था कि कहीं वो हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, फार्मर हैं, कॉमन पीपल हैं, उन्हें इफेक्ट ना करें। वो अपना बिजनेस ला के खोलेंगे तो यहाँ के जो पुराने बिजनेस हैं वो बंद ना हो जाए, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से चल रही हैं। वो एक डर था। दूसरा डर ये था कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें नुकसान ना पहुँचे, वो जो डायरेक्ट मार्केट में आते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास ना चले जाए, वो कैप्चर ना कर लें। तीसरी बात ये आती है कि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम देख ही रहे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 मिलियन डॉलर का है। तो इंडिया के कई बिजनेसमैन के पास उतने कम कैपिटल ना हो तो वो भी एक हमारे लिए एक खतरा है। तो ये सब बातों को सोचते हुए उसका विरोध भी हुआ था, पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ था, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पे क्या की, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए पॉलिसीज लाए, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, पॉलिसी में अपडेशन होते रहता है और पूरा ऑब्जर्वेशन उस पर किया जाता है, सर्विलांस रखा जाता है, ठीक है। इस पे एक बात और ध्यान देते हैं, थोड़े दिन पहले शेयर मार्केट पे या इंडिया बिजनेस पे एक बड़ा इवेंट हुआ था, जिसपे हिंडनबर्ग का एक फॉरेन एजेंसी है हिंडनबर्ग, उसका उसने अडानी इंटरप्राइज पे एक्सपोज किया था, तो निगेटिव तरीके से एक्सपोज हुआ था। उसका सच और झूठ जो भी है तो वो अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि उसका इंडियन बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट पे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि अडानी के जो भी अडानी इंटरप्राइज के कई सारे कंपनीज हैं, कई सारे उसके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैं, तो उन वो सभी शेयर मार्केट पे लिस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जब हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ था निगेटिव रूप से, तब उसके शेयर प्राइस काफ़ी गिरने लगे थे, शेयर प्राइस गिरने लगे थे क्योंकि निगेटिव रूप से उस पर प्रभाव पड़ा और उसके जो इन्वेस्टर हैं वो अपना प्रॉफिट जो अर्न कर चुके थे या जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालने लगे, ठीक है। तो निकालने लगे तो उसका बहुत ही मतलब उसके जो शेयर रेट है 50% से भी ज्यादा गिरे थे, जो रेट था उससे भी ज्यादा उसके शेयर रेट गिरने लगे। तो उसके पास ये समस्या आने लगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर, वो पैसे निकाल के जाने लगे हैं। तो वो एक समस्या कहीं ना कहीं दिखी थी, जिसका डर इंडिया के गवर्नमेंट को या इंडिया के जो गवर्निंग कमिटीज हैं उनको लगता था। तो उसके बाद उस चीज को संभाला गया। आप लोग ध्यान होगा कि जो शेयर मार्केट में हमारा जो अपर सर्किट लगता है उसको फिर 20% उससे हटा के 5% कर दिए गए थे अडानी इंटरप्राइज के शेयर्स पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, सो दैट कि जो हमारी अल्टीमेटली कंट्री है उसको कोई हार्म ना पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा FDI है मल्टी ब्रांड रिटेल और सिंगल ब्रांड रिटेल पे, तो वहाँ इंडिया में किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा था। तो ये है कि एक हम देखिए FDI की जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो उसमें एक कारण यह है कि इंडिया के पास कैपिटल की कमी थी, या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो अपने कैपिटल लगाने में समर्थ नहीं थे, इस कारण ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो ठीक से कर पा रहे थे, ना टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहे थे, ना उतने बिजनेस स्टेब्लिश कर पा रहे थे। तो इसके कारण वो क्या होता था,
कि हम बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से क्या हुआ कि जो नीड है, जो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम मैच करने की कोशिश करने लगे, प्रोडक्शन हम करने लगे चीजों पे। ठीक है, दूसरी बात, इंडिया को हम जान रहे हैं कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है या कंट्री है, तो कई बार अप्रॉक्सीमेटली 40% जो हमारे फार्मिंग प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो क्या है, अल्टीमेट कंज्यूमर के पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती थी। मतलब वो पहुंचने के प्रोसेस में ही लोगों तक सही से नहीं पहुंच पाती थी, खराब हो जाती थी। मतलब जो फ्रेश हमारे पास फ्रेश गुड्स और प्रोडक्ट की बात होती है, वो नहीं हो पाता था। दैट मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज की भी कमी है, कमी थी, या उसे प्रिजर्व कर नहीं कर पाते थे। तो इससे क्या है, वो चीज़ें खराब होने लगी। दैट मीन्स वहाँ ठीक से इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसके कारण जो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं उस पे रेट बढ़ने लगते थे और किसानों को नुकसान होने लगता था। ठीक है, तो उससे क्या है, हम इन्फ्लेशन को हम लड़ने की ताकत मिली किसके कारण, एफडीआई के कारण। ठीक है, अब एफडीआई से फार्मर की इनकम इम्प्रूव होने लगी। एफडीआई के लिए जैसे हम देखे थे, यहाँ पे एक स्लाइड में देखते हैं कि 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे क्या है, जब फॉरेन की कंट्रीज इंडिया में आएंगी और प्रोडक्शन करेगी, तो उस समय वो क्या है, इंडिया के जो फार्मर है उनसे रॉ मटेरियल लेंगे। ठीक है, कुछ गुड्स और सर्विसेज जो कि उन्हें मल्टी ब्रांड सेक्टर, रिटेल सेक्टर के लिए बनाने हैं, तो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि चाहे बिग बाजार हो, रिलायंस हो, वॉलमार्ट हो, आपके एमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट है, ये सब कहीं ना कहीं बैक एंड पे जाके वो क्या करते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं फार्मर के साथ, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के साथ क्या करते हैं, टाई अप करते हैं। ठीक है, सो दैट इससे क्या है, वो इनकी इनकम बढ़ती है और उनके पास हम जान रहे हैं कि पैसे होते हैं तो फाइनेंशियल कैपिटल आती है, और टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है, चाहे वो रशिया हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, तो ऐसे कंट्रीज, चाहे वो मॉरिशस हो, जो हमसे काफ़ी अच्छे हैं टेक्नोलॉजी में, वो एफडीआई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने टेक्नोलॉजी से ही इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो जब वो इंडिया में प्रोडक्शन करने लगेंगे तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी, मेन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, देन डेवलपिंग डोमेस्टिक सप्लाई चेन, फिर उस हिसाब से वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन जो हुए रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उससे क्या होगा, सप्लाई चेन हमारा इंप्रूव होगा, लोगों तक सामान पहुंचने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मल्टी ब्रांड रिटेल और सिंगल ब्रांड रिटेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम एक कंपैरिजन देखते हैं कि जो मल्टी ब्रांड रिटेल है उसमें हम ये देखें कि इन्फ्लेशन से हम फाइट कर रहे हैं, महंगाई हम दूर कर रहे हैं, किसानों को उससे फायदे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास अच्छे से आ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रहे हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट था इंश्योरिंग क्वालिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि फ्रेमवर्क बनाया कि जो मल्टीनेशनल रिटेलर हैं वो 30% प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी एक बात ध्यान रखेंगे कि मैं बीच बीच में जो स्लाइड्स में हमारे जो डेटा है, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 30% एटलीस्ट जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज से वो क्या करेंगे, सामान परचेस करेंगे। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में रखो, एमसीक्यूज में आपके आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इंश्योरिंग क्वालिटी पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जोर दिया, कुछ भी सामान बना के नहीं देना है, 30% जो है वो हमारे एसएमई से लेंगे वो। और अब उसके कंपेयर में हम देखते हैं, तो ये था हमारा
सो मल्टी ब्रांड रिटेल के कंपेयर में हम देखते हैं केस अगेंस्ट एफडीआई इन सिंगल ब्रांड रिटेल। तो सिंगल ब्रांड रिटेल से क्या होता है कि हर्टिंग स्मॉल ट्रेडर होते हैं, दैट मीन्स कि कोई कंपनी है जो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही बनाती है, तो वो क्या करेगी, वो डाइवर्सिफिकेशन पे उतना ध्यान नहीं रखेगी, वो अपने प्रॉफिट अर्निंग पे ध्यान रखती है। तो इससे क्या है, वो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी हम बात करते हैं, तो उनको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ठीक है, जैसे जब अमेजोन आया था तो अमेजोन के अंदर हालांकि मल्टी ब्रांड है, लेकिन एक ऑनलाइन जब प्रोडक्ट सेल होने लगा तो बोला गया कि वो कहीं ना कहीं भारत के जो व्यापारी हैं उनको प्रभावित करेगी। ठीक है, छोटे छोटे जो शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगी, ये बात उठी थी। तो यहाँ पे वही पॉइंट है, हर्टिंग स्मॉल ट्रेडर्स देन, या फिर उसके बाद जो इम्पोर्ट का प्रोसेस है। ठीक है, तो भारत जो इम्पोर्ट कराती है इससे क्या है, हमारा ट्रेड रिलेशन भी बनता है, हो सकता है सब्सिडी में हमें चीज़ें मिले, लेकिन जब वो एफडीआई आने लगेगा तो हम ज़्यादा चांस है कि हम इम्पोर्ट के लिए कम निर्भर रहेंगे। तो वो दूसरा उसका तो एक बाई प्रोडक्ट होता ही है, एफडीआई अगर आएगा, फॉरेन के हमारे पास चीज़ें ही आ रही हैं तो हम फॉरेन से चीज़ें क्यों मंगाएंगे दूसरे तरीके से। ठीक है, कि दोनों एक वे है फॉरेन से चीज़ें लाने का। ठीक है, तो सिंगल ब्रांड रिटेल में ये होता है कि नो नॉट बेनिफिटिंग फार्मर। ठीक है, क्योंकि वो सामान प्रोडक्ट जो है वो अपने होम कंट्रीज से भी ला सकते हैं। नाउ नो इम्प्रूवमेंट इन रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग रिस्क फॉर फार्मर, नॉट ए पेनेसिया फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सिंगल ब्रांड रिटेल जो है देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं देखा जाता इकोनॉमी, और ये बेसिकली डेटा के बेस पे है, तो कहीं ना कहीं वो फार्मर के लिए उतने उपयोगी नहीं है जितना मल्टी ब्रांड रिटेल है। ठीक है, ना ही वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ना ही वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में उतना विश्वास रखते हैं, ना ही महंगाई को दूर करते हैं वो। ठीक है, सो अब हम आते हैं डेटा पोर्शन पे। तो डेटा पोर्शन में हम ये देखेंगे कि एफडीआई का इनफ्लो इंडिया में किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा थ्योरी थ्योरी इसमें हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में एफडीआई का इनफ्लो किस तरीके से हुआ। तो अगर हम देखें तो 2000 से लेकर 2023 तक एफडीआई का जो इनफ्लो है, मतलब फॉरेन की कंट्री से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना आया है, 919 बिलियन डॉलर का आपका एफडीआई आया है। ठीक है, और उसके बाद ये अगर हम 919 बिलियन डॉलर को हम देख रहे हैं, तो ये आया है टोटल 2000 से लेकर 2023 तक में। लेकिन यहाँ पे इस पे एक गौर करने वाली बात ये है कि लास्ट के 10 सालों में उसको 65% इन्वेस्टमेंट 2014 से 23 तक आया है, मतलब 919 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से अप्रॉक्स आपका 600 बिलियन डॉलर, यहाँ पे देखेंगे 595.25 बिलियन डॉलर है, तो उतना इन्वेस्टमेंट सिर्फ लास्ट के 9 सालों में आया है। ठीक है, जो हम पिछले 23 साल में जो इन्वेस्टमेंट हम हमारे पास आया, तो उसका जो 65% है वो लास्ट के 9 सालों में आ गया। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास जो ये बोला जाए कि 14 ईयर है, उसपे उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लास्ट के 9 ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसपे मेन कंट्रीज हमारे कौन कौन से हैं इसमें देखते हैं, तो हमारे पास मॉरिशस से 26%, अगर हम
देखें तो मॉरिशस से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है, मोस्टली इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आता है सिंगापुर से, यूएसए से, नीदरलैंड से और जापान से। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि इन्वेस्टर्स को इंडिया पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, तो इसमें एक चीज हम ये देख रहे हैं कि एफडीआई के इनफ्लो 2022-23 के बेस पे लिया गया है, तो टॉप 5 कंट्री में ये सभी कंट्रीज हैं। ठीक है, और कौन कौन से सेक्टर पे इसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसमें हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर पे 16% हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 100 हार्डवेयर पे 15% हुआ है, ट्रेडिंग पे 6% हुआ है, एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी 6%, और देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाह रहा हूँ कि एफडीआई का जो हम देखे थे, मोड देखे थे, वो दो तरीके से था। ठीक है, गवर्नमेंटल रूट था और एक ऑटोमेटिक रूट था। लेकिन आप स्टडी करेंगे तो एफडीआई के जो एंटर करने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई कंपनी आ रही है तो क्या करती है, मर्जर एक्विजिशन आपका इन सब प्रोसेस को अपनाती है। ठीक है, तो देखो अगर हम देखेंगे तो मारुति सुजुकी को हम देख चुके हैं। ठीक है, मारुति इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी थी, तो वैसे ही मारुति सुजुकी हो गई। आपका पहले जो टाटा डोकोमो चलता था, तो टाटा यहाँ की कंपनी है, डोकोमो जापान की कंपनी है। ठीक है, और आपके ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं, ठीक है, जो इंडिया में मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू आती है। ठीक है, तो वो भी एक हमारा एफडीआई का स्वरूप होता है। तो जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो सर्विस सेक्टर में 16%, कंप्यूटर्स के आईटी फील्ड पे देखा जाए तो 15% का इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेडिंग पे, टेलीकम्युनिकेशन पे 6% का, और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे 5% का। ठीक है, हीरो होंडा भी था तो उसमें से हीरो इंडियन कंपनी थी। ठीक है, और इस पे अगर हम देखें तो कौन कौन सी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एफडीआई आती है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया को भी अगर हम देखें तो उसके अंदर जो स्टेट हैं उसमें महाराष्ट्र है 29% एफडीआई, कर्नाटक है 24% एफडीआई, और गुजरात 17%, और दिल्ली जो है, दिल्ली है हमारे 13%, और तमिलनाडु 5% है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जब हमारे टॉप लिस्ट में है तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब ये हमारे टॉप लिस्ट में है तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, हम एम्प्लॉयमेंट सॉरी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, ये पावर हाउस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा तो इकोनॉमिक का ये पावर हाउस है, तो पावर हाउस बनेंगे दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उनका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इससे क्या है, जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बनाती है, और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर ऑप्शन बनती है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, ये स्टेट जो है क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेट कंट्री है एफडीआई, मतलब फॉरेन कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, उसमें हम आगे देखते हैं। तो अब आते हैं कौन कौन से सेक्टर पे हम कितना कितना परसेंट हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सो एफडीआई फ्लो इन इंडिया में हम देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर पे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% है, और 100% है गवर्नमेंटल रूट के थ्रू। ठीक है, और इंश्योरेंस सेक्टर पे हम देखें तो 74% का एफडीआई है। ठीक है, और हाँ तीसरा इसमें ये है कि बॉर्डर कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे आपके बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, आपके जो अफगानिस्तान हो गया। ठीक है,
तो इन सभी कंट्रीज को हम क्या करते हैं, एफडीआई के लिए हम इन्हें कुछ ना कुछ रियायत देते हैं, इजी प्रोसेस देते हैं, ताकि इनसे इन्वेस्टमेंट आए और हमारे रिलेशन अच्छे बने रहें, ट्रेड रिलेशन जो है वो अच्छा बने रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एफडीआई के लिए प्रोसेस इजी किया गया, उसके लिए स्कीम लाया गया जिसे हम पीएम गतिशक्ति कहते हैं। उसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रोसेस है, जिसमें मतलब सिंगल विंडो से ही आशा ये है कि आपको एक ही पोर्टफोलियो पे आना है, एक ही विंडो पे आना है, एक ही विंडो मतलब दैट मीन्स आपको जो प्रोसेस चाहे कोई एक ही विभाग है वो ही आपको पूरा उसका क्लियरेंस दे देगा, ठीक है। और जीआईएस मैप्ड लैंड बैंक, तो ये सभी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्मूथ करने के लिए प्रोसेस चलाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एफडीआई के इनफ्लो के लिए स्पेस एक्टिविटी बिल लाया गया 2019 पे, अगर हम देखेंगे तो इससे क्या है, इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है, ठीक है, तो उस पे इनोवेशन और डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए क्या लाया गया, एफडीआई उस पे भी लाया गया। जैसे हम देखते हैं इंडिया का जो हमारा स्पेस एजेंसी है इसरो, वो तो है, लेकिन उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे नासा है, आपके फॉल्कन है, स्पेस एक्स है, तो वो सब क्या है, प्राइवेट वेंचर है। तो प्राइवेट वेंचर जो है फॉरेन के, वो आके इंडिया में, प्राइवेट वेंचर भी नहीं बोलना चाहिए, गवर्नमेंट वेंचर भी क्या है इंडिया में इन्वेस्ट कर सके, इसलिए स्पेस एक्टिविटी बिल लाया गया। नाउ इंडिया का यूके के साथ रिलेशन अच्छा हो, उसके लिए यूके इन्वेस्टमेंट बूस्ट स्कीम लाया गया, ताकि हम ट्रेड पार्टनरशिप को इन्हेंस कर सके। देन टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई किया गया, जो कि पहले 49% था, ठीक है। तो ये था हमारा एफडीआई का इंफ्लो, इसमें और आगे भी हम देखेंगे। तो अभी तक तो एफडीआई से हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम सभी चीजों पे हम एफडीआई कर देंगे, भारत के हर चीज पे, ठीक है। तो एफडीआई इतना आसान है क्या? तो गवर्नमेंट इंडिया ने बोला कि नहीं, हम हर चीज पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ ऐसे मैटर हैं जो कि कंट्री के लिए काफी मीनिंगफुल हैं, जिसे हम अदर कंट्रीज के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो भी चीज है। और ऐसी भी चीजें हैं जिससे इंडियन इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंच सकती है, चाहे वो आपका गैम्बलिंग का या बेटिंग का बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वो लॉटरी सिस्टम हो, चाहे वो चिट फंड का बिजनेस हो, चाहे वो निधि कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज हो, ठीक है, और हाउसिंग रियल एस्टेट का बिजनेस हो, ट्रेडिंग इन TDR, और इसमें हम देखते हैं लास्ट है हमारा सिगरेट सिगार और एनी टोबैको रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सब क्या था कि इन पे ये जो है डायरेक्ट इकोनॉमी को डाइवर्स इफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज देखिए, फाइनेंशियल मैटर पे हम देख रहे हैं कि जो चीट फंड होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों के पैसा लेके चले जाते हैं, उनके पैसे एक अनएक्सपेक्टेड लेवल पे इंक्रीज इन रिटर्न देने का वादा करते हैं और चले जाते हैं उनके पैसे लेकर। तो चीट फंड हो गए, चाहे वो हमारा निधि कंपनी हो गया या लॉटरी सिस्टम, इन सभी को भी बंद किया। उसके अलावा भारत के जो न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे हम जान रहे हैं न्यूक्लियर पावर है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी हो एटॉमिक एनर्जी जनरेशन से, दैट मीन्स, ठीक है, तो वो क्या है, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे चीजों को हम एफडीआई के लिए अलाउ नहीं किए, उसमें क्या है कि हमारे जो नो टेक्निकल नो हाउ है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी एटॉमिक एनर्जी की प्लांट कहाँ कहाँ लगे, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कहाँ रखें, ये नहीं बता सकते हम किसी भी कंट्री को, ठीक है। तो इसलिए इन सभी कंपनी में देख लीजिए एक बार, एफडीआई अलाउ नहीं है कि कौन कौन से सेक्टर में हमारा और कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि
ऑटोमोबाइल पे 100% हमारा FDI सीलिंग है, टेलीकॉम पे हमारा सीलिंग जो है वो भी 100% अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये पुराने डेटा पे है। वन सेकेंड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे 100% है, लेकिन न्यूक्लियर पावर को छोड़कर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर जान रहे हम सामरिक महत्व रखता है, नेशनल नेशन इंटरेस्ट का वो चीज़ है, तो हम उस पे FDI बिल्कुल भी अलाउ नहीं किए हैं, ठीक है। देन रोड्स एंड हाईवे के लिए हम FDI 100% अलाउ कर चुके हैं, पोर्ट्स एंड हार्बर्स के लिए हम 100% FDI अलाउ किए हैं, सिविल एविएशन, ठीक है, इन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वेंचर्स, ठीक है, उस पे हम 100% FDI अलाउ कर चुके हैं, ठीक है। नाउ FDI के बारे में हमने जितना भी देखा, उसके बाद अब हम देखते हैं FII, दैट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
FII, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, उसे हम अभी पढ़ेंगे। तो FII में बेसिकली होता ये है कि FDI में हम ये देख रहे थे कि उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आ रही थी, तो उसमें ये था कि कोई सिंगल पर्सन सिंगल एंटिटी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, ठीक है, गवर्नमेंट भी कर सकती थी, एजेंसी भी कर सकती थी, लेकिन FII में जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट मीन्स कोई इंस्टीट्यूट है वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं, वो हो सकता है कि वो एक इन्वेस्टर कंपनी ही हो, सभी कंट्रीज में सिर्फ पैसा ही लगाएं और उनसे जो उससे प्रॉफिट अर्न हो उसको अपने पास रखें, वो एक हो सकता है सिचुएशन। या एक सिचुएशन ऐसा आता है कि वो किसी प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विस को बनाने पे उनका बिजनेस चलता हो और वो आके इन्वेस्ट करें, वो भी एक बात होती है। तो जब एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो रहेंगे, दैट मीन्स कोई फॉरेन की म्यूचुअल फंड कंपनी है, पेंशन फंड वाली कंपनी है, या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वह इंडिया के मार्केट पे आके जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके इक्विटी, डेट, डिबेंचर और डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज को परचेस करेंगे, कहाँ से? सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, सेबी से नहीं, सेबी रेगुलेट करती है, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया से करेगी। तो वो क्या कहलाएगा? FII, दैट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आ रही है सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट पे, देखिए, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इन इंडिया। तो इंडिया के कौन, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, एक बार बताएंगे चैट पे। तो FII से ये समझते हैं, चैट में आंसर करिए, स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कौन कौन से हैं। तो FII से हम ये समझते हैं कि फॉरेन की ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, इंडिया के मार्केट पे, ठीक है, वो भी कौन से मार्केट पे, डायरेक्ट मार्केट पे नहीं, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो। आसान भाषा में समझने के लिए बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में जब जो भी कंपनी हम देखते हैं कि जो भी कंपनी लिस्टेड हैं, अब वो कहाँ पे लिस्टेड होंगी? स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हम NSE, निफ्टी के नाम से जानते हैं, और NSE है और BSE है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। नहीं, किशोर गौड़ जी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, अभी नहीं है वो चीज। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में जो भी कंपनी लिस्टेड है उनपे जो इन्वेस्टमेंट होगा FII के द्वारा, FII कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ऐसे कंपनी पे FII इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ना हो, ठीक है। तो उस पे सेबी उन्हें क्या करती है, रेगुलेट करती है। देखिए क्यों, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनकी प्रकृति कैपिटल, उनके बिजनेस का नेचर जो है कैपिटल है, कैपिटलिस्ट है, उनके पास कैपिटल रहेगा, वो बस कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। जैसे अब मान के चलो, एग्जाम्पल में इसमें समझने के लेते हैं, भारत में हमारे पास कैपिटल बिजनेस करने वाली कंपनी है, जैसे LIC हो गया, हमारे बैंक्स को ले लेते हैं, चलो स्टेट बैंक हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, चाहे LIC हो गया या म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए जितने भी, तो वो क्या कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, जैसे इंडिया के जो बड़े बड़े शेयर मार्केट के जो लीडर्स हैं, वो अपना क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना लेते हैं, मतलब वो क्या है, कहीं कहीं इन्वेस्ट करने के लिए पैसे रखते हैं वो कहीं ना। देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, वो कहीं प्रोडक्शन तो नहीं कर रही, कुछ चीज तो बना नहीं रहे, उनके पास बस क्या है, पैसे हैं। अब जो हम जिस पैसे से हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वो पैसे उनके पास आएंगे,
जिस पैसे से हम म्यूचुअल फंड के लिए सामने वाली कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो वो उनके पास फंड है, तो वो क्या करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करके वो ज्यादा रिटर्न कमाएंगे, और हमें क्या देंगे उस पे, हमारा जो रिटर्न है वो देंगे, और वो अपना परसेंटेज कमीशन लेंगे। तो वो जो पैसा है वो कहीं दूसरे जगह जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो काम वो क्या हो जाता है, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो जाते हैं। ठीक है, जो बड़ी संस्था सिर्फ पैसे का जब इन्वेस्ट करेंगी, तो फॉरेन की जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास काफ़ी सारा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बिजनेस करते हैं, तो उनके पास क्या है, फाइनेंस काफ़ी मात्रा में आएंगे, तो उससे क्या है, वो क्या करेंगे, कहीं और पैसे को लगाएंगे और उससे रिटर्न कमाएंगे, तो वो हो जाता है हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि FII दो चीज़ों के थ्रू होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के थ्रू, तो उसके लिए ये जरूरी है कि सेबी में उनका रजिस्ट्रेशन हो और RBI से उन्हें परमिशन लेना हो। ठीक है, अंडर किस, अंडर द एक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, फेमा के अंदर उन्हें परमिशन लेना होगा RBI से, और सेबी पे रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनीज इन इंडिया दैट हैव मेनी FIIs आर कार ट्रेड टेक, HDFC, PB फिनटेक, एक्सिस बैंक, केरी इंडस्ट्रीज, ITC, ICICI बैंक एंड स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, ये है FII। तो यहाँ पे देखो मोस्टली FII के एग्जाम्पल में जो हम मेन नाम देखते हैं, HDFC है, HDFC बैंक को देखते हैं, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ITC है, ये सब नाम से हम क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में आमना सामना होते रहते हैं। अब ये देखिए कि इनके पास हम लोग क्या करते हैं, हम अपना सेविंग रखते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, इनसे स्टॉक मार्केट की हम वो भी मेंबरशिप भी लेते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, HDFC का म्यूचुअल फंड है, एक्सिस बैंक का है, ICICI का प्रूडेंशियल के नाम से भी जान रहे हैं चलता है। ठीक है, तो ये सभी के पास क्या है, पैसा हमारा जा रहा है, तो वो पैसे क्या है, वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो FII क्या करती है, पैसे ही इन्वेस्ट करती है, तो इंडिया पे जो भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी ऐसे इंस्टीट्यूशन, तो वो होगा FII। क्लियर है यहाँ? तो यहाँ पे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है US की, ठीक है, वो भारत में ये देखती है कि भारत में भी ग्रोथ है, भारत की कंपनी जो है वो अच्छा बिजनेस करेगी, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो उस पर ग्रोथ है, तो वो क्या करेगी, वो देखेगी कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं, लिस्टेड है तो स्टॉक को परचेस करेगी। FDI में हम क्या था, हम इक्विटी को परचेस करते थे, ऑनरशिप को हम लेते थे, और उसके बिजनेस डिसीजन को भी हम इफेक्ट करते थे, FII में वैसा नहीं है। ठीक है, तो US की म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के देखते हुए इंडिया शेयर मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर लेती है। ठीक है, तो ये है क्या, फॉरेन की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑल्सो बेनिफिट्स प्राइवेट US इन्वेस्टर्स हु मे नॉट बी एबल टू बाय इंडियन स्टॉक डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में एक बात समझिए, आप कई बार म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, कुछ फाइनेंस म्यूचुअल फंड के अलावा भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदेंगे किसी कंपनी का, और उसका क्या एनालिसिस करेंगे कि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे तो ग्रोथ कैसी होगी, तो उसके ग्रोथ के चांस के लिए हम क्या देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, जैसे आज हम चाहे SBI का म्यूचुअल फंड लें, ICICI का लें, या निप्पॉन का लें, या किसी भी कंपनी का लें, तो हम ये देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ जो हम पैसे डालेंगे उसको इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो स्मॉल कैप में करेगी, मिड कैप में करेगी, लार्ज कैप में करेंगी, तो वो भी एक तरीका होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी या हम फाइनेंशियल कंपनी जिस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जाके लार्ज कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो लार्ज कैप वाली कंपनी से हमें ये भरोसा रहता है कि वो भारत की ग्रोइंग कंपनी में से होती है, टॉप 100 ग्रोइंग कंपनी जो होती है उसे लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं, तो हमें ये भरोसा हुआ कि हम जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं और अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या है, हम कहीं ना कहीं बेनिफिट होंगे।
ठीक है, तो वही बात है कि यूएस के जो इन्वेस्टर हैं वो देखेंगे कि यूएस की जिस कंपनी पे फॉरेन इंस्टीट्यूट पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट क्या है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका म्यूचुअल फंड लेंगे, उसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और उस हाई ग्रोथ पोटेंशियल के पार्ट बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब हम अपने लास्ट स्लाइड पे हैं, जिसे हम सेबी, जो कि हम अभी तक तो इतना इन्वेस्टमेंट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि उन्हें रेगुलेट कौन और कैसे करता है। ठीक है, तो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये क्रिएट हुआ था 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा। और इसे क्यों बनाया गया था, टू गवर्न ऑल स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसेस होंगे, सिक्योरिटीज के प्रोसेस होंगे, उसको कौन रेगुलेट और मॉनिटर करेगा, सेबी। ठीक है, फाइनेंशियल हमारे फ्रॉड ना हो, किसी इंस्टीट्यूट की हानि ना हो, और हमारा जो बिजनेस है, स्टॉक बिजनेस, वो स्मूथली चलता रहे, वो कौन इंश्योर करेगा, सेबी करेगा। ठीक है, तो सेबी में चार, अगर हम इसके टॉप अथॉरिटी को देखें तो एक चेयरमैन होगा और 5 मेंबर होंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद तो और भी इसके एम्प्लॉयज रहते हैं और मैनेजमेंट लेवल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एंड रेगुलेटिंग इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं। तो जैसे कि थोड़े दिन पहले, जैसे मैं बता रहा था थोड़े दिन पहले, या आप रेगुलर इंटरवल पे देखेंगे अगर स्टॉक मार्केट से आप लोग रिलेटेड होंगे तो जब सेबी को लगता है कि कोई शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उसकी एक्टिविटी ठीक नहीं लग रही है, तो वो अपने इन्वेस्टर को क्या करती है, अवेयर करना शुरू करती है। उसके पोर्टफोलियो में जब जाएंगे किसी कंपनी के, तो वहां पे सेबी के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस कंपनी के बारे में उसे बताया जाता है, या कंपनी पर सेल की एक्टिविटी ज्यादा होने लगती है। कंपनी को कई बार क्या है, वहां पे ट्रेडिंग किया जाता है, ऑफ किया जाता है, वेव ऑफ किया जाता है, तो उस पर क्या है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर, उनको हानि होने की चांस होती है, उनको लॉस होने की। तो वहां पे सिर्फ 5% अप या डाउन, जिसे हम अपर सर्किट लोअर सर्किट बोलते हैं, उसको अलाउ करती है सेबी। ठीक है, तो उस पे हम उस पे परचेस और सेल को भी रेगुलेट करती है, कितने अमाउंट तक हम परचेस सेल कर सकते हैं शेयर मार्केट पे, कितना एक दिन में कितने परसेंट हाई तक हमारा जो रेट है, परसेंट है, वो जाएगा, वो भी सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, और उस पे इन्वेस्टमेंट के, उनके सिक्योरिटी के, और उस पे एक्टिविटी को रेगुलेट भी करती है सेबी। ठीक है, तो इससे वो क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकती है। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हो सकता है किसी कंपनी को जानबूझ के बदनाम करके गिराने की कोशिश हो सकती है, ठीक है, या शेयर के रेट को ऊपर नीचे करने की कोशिश हो सकती है, या किसी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश होती है, तो उसे भी रोकती है सेबी, अनऑथराइज तरीके से जब होती है तो। और सेबी में जो भी रजिस्टर होंगे उसके लिए उसका आदेश ये रहता है कि पूरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ऑडिट को, उनके मीटिंग्स को, उनके डिविडेंड्स को, ठीक है, और कंपनी के हर इंफॉर्मेशन को सेबी के और शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल कराए, ये इंश्योर करता है सेबी। ठीक है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को भी यह रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेबी, जो कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज को पूरी तरीके से मॉनिटर करती है। सो थैंक यू फॉर
लिसनिंग टू माई प्रेजेंटेशन।